ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਬਕਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਜਬ ਸੀ ਅਜਬ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਨਾ ਕਦਾ ਹੈ अब ये हुरी के ड्रामे चेक करें आप वीडियो बनवाने के लिए एवे ब्रश लगाई जा रही है मतलब पर ये तो मैंने मेकअप किया ये क्या कर रही है तू यू नॉट जेडी फ्रॉम द्रास यू कैन ऑर्डर ये वाले फूल इसके सर पे लगा के मैं इसको मेट गाला वाली आलिया भट्ट बना जल्दी जल्दी इजीली कर देना मेकअप इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी ये मुझे मस्के लगा रही है आज किस किससे इंस्पायर्ड है ये आज मुझे मेट गाला में आ मजा आता है मिक्स करके मैंने जो शेड बनाया है वो है ये ओह माय गॉड ये इतना प्यारा लग रहा है वो देखो हमें नीचे से नजर आ रही है हमें रहने दो ओके वो स्टाइल सेट करा के फिर ही आपको अपनी फुल लुक दिखाना चाहिए वाला पहनना इन दोनों में से बताओ कौन सा पहनूं समझ नहीं आ रही ये इतना करके अपना मैनिक्योर दिखाने की जरूरत नहीं है हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे हम भी ठीक ठाक ओके थोड़ी सुबह सुबह हम आ गए हैं और जल्दी में हम जरा पहुंच क्योंकि आज डे फंक्शन है और ब्यूटी पार्लर करना है उसके लिए मैं लेट हो रही हूं बहुत ज्यादा और मैं आई भी लेट हूं और अब टाइम पे और अब मुझे कहीं जा रही है कि जल्दी जल्दी करो तो ज्यादा लेट आई है मुझे सुबह से उठा के बिठा दिया लेकिन मुझे पता ना देखा ने जल्दी जल्दी इजीली कर देना मेकअप इसलिए मैं कह रही हूं जल्दी जल्दी ये मुझे मस्के लगा रही है प्यारी समझ गई नहीं नहीं मुझे पता है इसने कर लेना मैंने जिसलिए मैं कह रही जल्दी जल्दी शुरू कर ये एक बंदा लेट आया हमने शूट पे करना यार पिक्चर भी फिर इनको भी तो दिखा रहे हैं लेकिन लेकिन ये बात भी तो है ना कि हमने जल्दी जल्दी तैयार हो जाना एग्जैक्टली तो बस हम एक्साइटेड है देखने के लिए कि आज पूरी क्या पहने और आज मैं पहनूंगी साड़ी इसलिए कल ये कह रही थी कि साड़ी साड़ी तो पहन ले बंदा लेकिन क्या कह रही थी नहीं पहनना कुछ पता नहीं क्या अजीब सा भूल गए मेहंदी मेहंदी ज्यादा भी अपनी वहीं पे चला गई आज से इनको अपना ड्रेस दिखाओ ठीक है ओके तो आज का जो ड्रेस है इतना प्यारा कलर है यार ये यार मैंने पता नहीं इसको क्या कर दिया आज किस किस से इंस्पायर्ड है ये आज वो जो मेट गाला में आ लिया ओह वैसी लुक चाहिए जैसे ओके लाइट सी लेकिन उसकी लिपस्टिक लाइट थी लिपस्टिक कैसे लगानी है मुझे आज हम सोच रहे हैं डार्क क्योंकि सारा कुछ लाइट होगा कलर लाइट है तो ओके ओके तो आज हम हुरी को बनाएंगे आलिया भट्ट मैं आपको पहन के दिखाऊंगी मैंने इसका बेड़ा गर्क किया ठीक है जैसे वो मेट गाला में गई थी मैं भी मेट गाला वाली लुक अच्छा तू शादी को मेट गाला बना देना चाहती है हमारी गर्क तो ऐसी होती है हमारे ड्रेस भी ऐसे ही होते हैं एग्जैक्टली वो सारा मतलब अलग ही होता है कुछ मेकअप हमारा सारा ऐसे ही होता है हमारा तो ये कलर इतना प्यारा है यार स्टफ और ये जो है ना बारात वगैरह के लिहाज से ये जो तारों का जो काम है बिल्कुल क्यूट लग रहा है और मतलब ज्यादा मुझे काम नहीं अच्छा लगता ये भी बहुत हैवी है ये भी बहुत हैवी है मुझे पसंद आ लेकिन मैंने उरी को कहा था कि कुछ तो लो ना जरा शादी में तो लगे सारा कुछ सिंपल सिंपल तो अच्छा नहीं लगता ना तो ये जो है ये इतने क्यूट लग रहे हैं मतलब इतना प्यारा लग रहा है बस अब जल्दी से मैं इसको आलिया भट्ट बना दी फूल भी सर पे लगवाने हैं नहीं मैरिट लगूंगी एक मेरे साड़ी पहनी ये वाले फूल इसके सर पे लगा के मैं इसको मेट गाला वाली आलिया भट्ट बनाऊंगी मैं लड़की लगूंगी मैं आंटी लगने लगी सर पे फूल लगा के साड़ी पहन ठीक है तो इसके बगैर ही हम लगा देते हैं आज हम इसको गुलदस्ता नहीं लगाएंगे बस जल्दी से इसमें इसको रेडी करते हैं ताकि आपको साथ साथ दिखाएं अच्छा तो अभी मेकअप होने वाला है स्टार्ट आज मैंने लैशेस नहीं लगानी बस ठीक है रात को लगते ही नहीं काफी है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी आंखें दर्द होने लगी है लैशेस की वजह से और वैसे भी लैशेस इतनी प्यारी हैं हां ना वैसे भी मेरी लैशेस इतनी प्यारी तो मैं क्यों लगाऊं ना मुझसे लैशेस बर्दाश्त होती है ना मुझसे लेंस बर्दाश्त होते हैं पता नहीं कैसे लोग लगा लेते हैं इतनी देर से अच्छा मेकअप कौन सा करना है भला आज आई मेकअप स्टार्ट करने लगी मैं लाइक करेंगे मैं कुछ दिखाती हूं थी ना यमुना जैदी की लुक किसमें भला तेरे बिन में तेरे बिन में साड़ी वाली लुक कह रही हो ना ये वाला मेकअप इसका बहुत मजे का ठीक है लाइट आईज और हां डार्क लिपस्टिक और बहुत मजे की लगी थी यार तो आज हम और ऐसे ही ग्लो ग्लो होनी चाहिए मेरे फेस पे वैसे भी मेरा फेस ग्लो तेरा मूड चमकेगा हां ठीक है लाइटें मारेगा ठीक है ठीक है तो हम जल्दी से ये वाली लुक क्रिएट कर लेते हैं ओके आज रिदा ना कॉपर सी आईज बना रही है यस जो कि बिल्कुल मुझे मुझे वैसे ये ना मेकअप बहुत पसंद है ये वाला यमुना वाला एग्जैक्टली क्योंकि ये यमुना की तो सारी मेकअप लुक्स बहुत मजे की हां लाइट और इसकी एक वजह ये भी है कि ये लाइट है लाइट मुझे का लगता है शिमरी और रेड लिपस्टिक तो मेरी वैसे ही इतनी फेवरेट है वैसे ही तो लगा के फिरते रहते हैं हम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अब रिदा लगाने लगी है शिमर आईज पे हल्का सा ही लगाना है ना ज्यादा तो नहीं हाँ ये वो वाला ग्लिटर नहीं है ये शेड शिमर है जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है यार हाँ ये प्यारा लग रहा है ओह माय गॉड
यमुना जैदी बन रही है यमुना जैदी फ्रॉम द्रास यू कैन ऑर्डर द्रास वालों ने यार मेरे साथ अभी रिसेंटली एक स्कैम किया मैंने वहां से बॉटल मंगवाई है तो क्या हुआ और वो खराब यार डिफेक्टिव पीस टूटा हुआ है सारा और मुझे इतना गुस्सा आया द्रास वालों पे मेरा दिल किया मैं मुंह में मार के आऊं उनके ये तो मैंने भी मंगवाई थी एक दफा तब ठीक था लेकिन इस दफा उन्होंने हद कर दिया है उन्होंने इसका विश्वास जीत के फिर इसे धोखा दिया ना विश्वासघात किया उन्होंने मेरे साथ तो दिल कर रहा पूरी वीडियो बनाऊं इस पे कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया मुंह करें दरख्वास्त कि आपको इस पे वो आपको मुझे रिफंड कर दे मुझे रिफंड कर दे ताकि मुझे दुख कम हो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे क्या लाइनर लगाया हुआ है पसंद है नहीं नहीं आज लगा दो क्योंकि उसने गया हुआ ना बस ठीक है पूरी ने आज फुल यमुना जैदी बनना है इसलिए हर वो चीज करना चाहेगी जो कि यमुना ने की हुई है लाइनर भी लग गया यार ये अच्छा लग रहा है बारीक सा ना लाइट सा प्यारा लग रहा है इससे ज्यादा नहीं मुझे पसंद इतना ही अच्छा है अब हम बाकी मेकअप कर लेते हैं थोड़ा सा एक ये चीज है जिससे मेरा ना दिल नहीं भरता अभी रिदा ने लगाया मुझे मस्कारा लगा अगर आई मेकअप खराब हुआ ना वो मुझे इसलिए नहीं पकड़ाती मैं आई मेकअप खराब कर देती लेकिन मैंने फिर भी पकड़ लिया मेकअप खराब कर देती है यार इससे मेरा दिल नहीं भरता और जब तक मैं अपने हाथों से ना लगाऊं मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती मेरा क्या लग गया ऊपर नहीं लगा अगर लगा हुआ ना तो फिर देखना शुक्र है मास्क लगा हुआ है ना इतना गंदा वो बंदा तौबा 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 तो अपना फ्रेंच मैनी क्योर भी करना था बस कर दे उरी अच्छा एक मिनट मजा आता है लगाते हुए आई लाइक इट ओके गाइस तो अब जो मैं कलर्स है ना उसके ये थ्री शेड्स यूज करने लगी हूं वाओ और इससे मैं बनाऊंगी एक शेड प्यारा सा एक ओम्ब्रे टाइप शेड जो है वो हम लोगों को बहुत पसंद है ब्राइट भी नहीं मैं लगाऊंगी ज्यादा डार्क भी नहीं लगाऊंगी दोनों का एक मिक्सचर सा शेड ठीक है दिखाएंगे अभी आपको लगा के ये कैमरा हिला देती है ना पकड़ के सारा काम तबाह कर देती है उधर इसीलिए भी मैं बंद ही कर देती हूं कैमरा ठीक है थ्री शेड्स को मिक्स करके मैंने जो शेड बनाया है वो है ये ओह माय गॉड ये तो ज्यादा लग रहा है वाओ तो डन है क्या ये क्या किया मेकअप तो डन है जब तक बस मैं सेट होगी तब तक मैं अपनी साड़ी वाली साड़ी लगाई है वो देखो हमें नीचे से नजर आ रही है हमें रहने दो ओके वो स्टाइल सेट करा के फिर ही आपको अपनी फुल लुक दिखाना चाह रही है ना हां ना ओके So this is the final look of style and makeup. Oh, आंखें बंद करके इनको दिखा. Oh my God! तो दराज से अगर आपको मेकअप चाहिए तो वो ये है, ठीक है? समझ रहे हो? तो बस आज मैं आपको अपना फेस दिखा सकती हूँ. ना हो पाएगा. ओके हम आधा आधा तो दिखा ही सकते हैं ना लिपस्टिक हाँ वाह हुरी कर रही है अपना फ्रेंच मैनिक्योर जो कि इसके साथ बहुत ही क्लासी लग रहा है इसके साथ मैं हुरी को ये कह रही हूँ क्योंकि ये वैसी साड़ी बड़ी शाइनी है तो इसके साथ जो है ना ये वाले प्यारे लगेंगे है ना ठीक है कौन सा वाला पहनना है इन दोनों में से बताओ कौन सा पहनना समझ नहीं आ रही ये इतना करके अपना मैनिक्योर दिखाने की जरूरत नहीं है ये बहुत तेज है ड्रामेबाज है यार प्यारे कितने हाथ मेरे प्यारे लग रहे हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं ऐसे ऐसे करके दिखा आप सबको ऐसे ऐसे अच्छा इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो ये ऊपर वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना हाँ ओके तो ये वाले हम कर लेते हैं इसके साथ कि मेरे अभी नेल पेंट जरा गीली है तो अभी रिदा ही लेकिन शो किया तो खत्म नहीं हो रही है तो बार बार दिखा कितनी प्यारी लग रही हो यार हाँ जी बहुत प्यारी और ये लिप्स का कलर लिप वाला शेड ये मुझे इतना पसंद है ना आप बताओ कमेंट करके नीचे कि आपको कौन सा लिप शेड ज्यादा पसंद है मुझे लाइट या डार्क ज्यादा पे कौन सा वाला पसंद है This is the final look. Oh my God! घूम कर दिखाओ भाई. तो ये है इसका मीरब इंस्पायर्ड जो है वो मेकअप है और साड़ी जो है वो आलिया इंस्पायर्ड ऐसा क्यों मतलब दो सेलिब्रिटीज क्यों कोई समझ नहीं आ रही थी किसकी तरह करूं मैं थोड़ी कंफ्यूज थी और आलिया का जो मेकअप था ना वो थोड़ा लाइट था पता ही है हां लेकिन आज हमने डार्क करना हां मुझे थोड़ा डार्क चाहिए मेरे ड्रेस का शेड ऐसा लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था मैं इसमें अच्छी चाहे ना लगूं ओह ऐसा कैसे हो सकता है हां मैं अच्छी लेकिन फिर भी एक तो ड्रेस का कलर लाइट था और ऊपर से इसको मीरब का भी थी लुक के मैं करूं और आलिया भट्ट वाली भी थी तो आलिया की तरह उसने कलर ले लिया है और जो मेकअप की लुक है वो आगे आ जाओ मेकअप के लुक है जो मीरब अब अपनी आईज बंद करके दिखाओ ओ माय गॉड ये इतनी ऑसम लग आंखें झुक के उठी तो अदा बन गई वो वाला करना जरा ओ वाह वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ओ
तो आप बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लग रही है, मतलब आई लव इट, सीरियसली आई लव इट। जूती दिखाई ना जरा इसने, देखो ये क्या हरकत किया यार, यार ये बहुत कंफर्टेबल है कसम। नहीं तो कंफर्टेबल है तो क्या इसके साथ यही पहन, यार अच्छे तो लग रहे हैं यार, ये पागल यार, दिखाओ दिखाओ ना जरा अपनी करतूत, ये उठा देखो इतने अच्छे लग रहे हैं, वैसे ये इतनी क्यूट है लेकिन तू सच्ची मच्ची में यही पहन के फिरेगी, तो मैं इजी हूं इसमें, हां वैसे नजर तो नहीं आ रहा, नजर भी नहीं आ रहा, देखो मैं पागल हूं हील पहन के चला भी ना जाए वहां, मैं भिड़ी हूं ये पागल यार, इजी काम है, चलो माना ये थोड़ा ट्रेंड में आया है लेकिन मुझे नहीं पता ये करने की, इसने जूती नहीं हुई है इसके साथ, मैं साड़ी के साथ ट्रेंड बना रही हूं ना, लोगों ने लहंगों के साथ पहने होते हैं, ओके ठीक है, तो ये हुरी जो है वो ट्रेंड सेटर है इस चीज की के अब ये ना साड़ी के साथ स्नीकर्स पहनी, ओके चला तो इजीली जा रहा है ना, हां बहुत कंफर्टेबल है, इससे तो भाग रही हूं मैं, भाग सेट करेंगे मैं हूं ट्रेंड सेटर और आज मैं एक नया ट्रेंड सेट करने जा रही हूं, साड़ी के साथ ये स्नीकर्स लगा के घूम रही है इसका दिमाग, अब ये हुरी के ड्रामे चेक करें आप, वीडियो बनवाने के लिए एवं ब्रश लगाई जा रही है, मतलब कि कोई ऐसा करता है इन्फ्लुएंसर्स करती है ठीक है, पर ये तो मैंने मेकअप किया, ये क्या कर रही है तू, कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, मैं खराब तो नहीं कर रही हूं, 2 इंच के फासले पे ब्रश लगा रही है, मतलब यार देखो इसके कारनामे चेक करो इसके, सबको बताई जाओ एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई, तो गाइज आप लोगों को एक सीक्रेट रिवील कर दें हम, मुझे यार पहले पहन कर रिहर्सल करनी चाहिए थी, मैंने क्या किया, एंड टाइम पे मुझे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हुरी इसको 2-3 तरह से पहन सकते हैं ना, आप उस तरह से भी पहन सकते हो, इस तरह से भी पहन सकते हो, तो ये देखो यहाँ के जो चुनेट्स है ना इनको दिखाओ लेडीज को, ये देखो हाँ इसको यूं करते हैं और फिर ये एक नया वो जो ट्रेंड है ना रूप वाली साड़ी वाला और इकरा कमल वाली साड़ी वाला, बस ठीक है काफी है, मैं इनको बताऊँ तो ठीक है समरिया, ओ पूरी अपने आप में एक जिंदा मिसाल है, एक चीज है वो, उसको किसी से कंपेयर, ते पहला जड़ा सी वो इंस्पायर्ड आउटफिट कह रहे थे वो क्या था, अच्छा मतलब इकरा कमल लोगों से ना करूँ, हाँ। तूने इतनी अजीब शक्ल बनाई जैसे करीना ने बनाई होती, उनके फैंस मुझे कहेंगे कि पता नहीं क्या कर रही है, ओ तो मैं आपको साड़ी की ये वाले लुक भी दिखाती हूँ, अब आपको दिखाती हूँ साड़ी के लुक क्या है, तो जो इसकी ये वेस्ट पे चुनट्स होते हैं ना उसको आप किस तरह से एडजस्ट करो इनको इस साइड पे, हाँ ये किस तरह प्यारे लग रहे हैं, हाँ तो ये जो है ना अब एक नई वो आई हुई है यहाँ पे कर सकते हो आप, तो वो बड़ी प्यारी वो जाह्नवी कपूर और वो वाली जो साड़ीज है ना इंडियन साड़ी, थैंक गॉड पहले देखे यार, हाँ वरना तुमने तो पसंद कैसे चली थी, ये बस मैं हूँ इतनी टैलेंटेड, इसको बता रही थी मैंने कहा कुछ लटक रहा है इसको कुछ कर ले, तो ये इतनी प्यारी जो शेप है ना वो इस तरह से आती है, ठीक है समझ आ गई है, आ गई है समझ, नहीं ओके तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ अब जाने के लिए, प्यारी लग रही हूँ यार मैं, कितनी प्यारी लग रही हूँ, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग, हाँ बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन मैं लेट हो रही हूँ मुझे जाने, और इसके चेहरे पे जो नूर है वो बिल्कुल मीरब जैसा है ना, जैसे तेरे बिन में था यमुना जैदी के मुंह पे, तो ये यमुना ही है हमने दरास में मंगवाई, और आलिया भट्ट और यमुना का मिक्सचर पता नहीं क्या, और मेरा फेस कट भी यमुना जैसा है, ओ ज्यादा तो नहीं हो गया, तो बस मैं निकलती हूँ यार मैं लेट हो रही हूँ, तो आप बताइएगा आप लोगों को अभी तक की 2 लुक्स में से जो है वो कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लगी है, मुझे तो वैसे सारी पसंद आती है, मेकअप सीरीज का मजा आ रहा है ना, हाँ आएगा यार इनको आ रहा होगा मजा, क्यों नहीं आना है, जाते थे कि हम लोग मेकअप न्यू न्यू लुक्स हम लोग ट्राई करें, हाँ कमेंट करें आप लोग, आप लोगों को ट्यूटोरियल वगैरह अभी तो एक लुक रहती है, कमेंट्स करें हमारी वीडियोस पे, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, तो अब हम आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।